तो अगर देखोगे ये वाली अगर चीज़ देखोगे, ए रिवर इज़ फ्लोइंग विथ, एक रिवर वेस्ट से ईस्ट फ्लो हो रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ 5 मीटर वेलोसिटी ऑफ रिवर यहाँ पे दिया हुआ है। देखो जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो ऑब्वियसली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 मिनट्स पर मीटर पर मिनट से यहाँ से, ठीक है। ए मैन कैन स्विम इन स्टील वाटर विथ वेलोसिटी 10, जब कभी भी याद रखना ये स्टील वाटर वर्ड यूज आता है। स्टील वाटर का मतलब होता है आदमी नदी में कूद चुका है और उसकी वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में है, तो ये जो स्टील वाटर है वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, कूद चुका है 10 मीटर पर मिनट से, ठीक ना। ये इन विच डायरेक्शन शुड स्विम, किधर जाना चाहिए, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, ये भी एक कंडीशन है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। तो अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ये वाली जो कंडीशन लगती है वो कहाँ लगती है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में कैसे आदमी स्विमिंग करता है। अब सबको पता होगा अगर पॉइंट ओ से स्विमिंग करता है तो अगर ये सीधा जाएगा तो कम टाइम में जाएगा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए इसको डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब ये रिवर की वेलोसिटी है वी आर, और रिवर की वेलोसिटी से कुछ 90 से अधिक एंगल, तो इधर उसको जंप कराना पड़ेगा रिवर में। दिस इज़ द मैन विच इज़ द स्विमिंग, तो ये आदमी जो है इस डायरेक्शन में इसको स्विमिंग करनी पड़ेगी, ठीक ना। तो यहाँ से इसको स्विमिंग करनी पड़ेगी, वो अपना टारगेट बनाएगा यहाँ कहीं जाने का, ओ से ए पर बनाएगा, पर ए पर नहीं पहुँचेगा, वो बी पर पहुँच सकता है, सी पे यहाँ पहुँच सकता है, कहीं भी पहुँच सकता है, ठीक है ना। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर ये वाली चीज़, ठीक है, चलो मान लो यहाँ से ओ पर अगर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये वेलोसिटी वी आर हो जाएगी, और ये यहाँ से तुम देखोगे ये वाली जो वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर की वेलोसिटी, आदमी जो कूद चुका है इधर ही, तो ये एंगल कुछ पूछा जा रहा है, दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, तो ये एंगल कितना है, 90 पहले से है, समझ रहे हो। तो यहाँ से तुम देखोगे फाइनली, तो हमें तुम देखोगे यहाँ से लगा दो, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ये दिया हुआ था ना, ये 5 था, ये वाला वेक्टर 5 था और ये वाला जो वेक्टर था वो 10 था, तो यहाँ से लगा दो तो तुम साइन अल्फ़ा की वैल्यू लगा दोगे तो 5 बाई 10 मतलब 1/2, तो अल्फ़ा की वैल्यू साइन 30, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ गई 30 डिग्री। तो अल्फ़ा अगर 30 डिग्री आ गया यहाँ से, ये अल्फ़ा 30 डिग्री है, तो ये इसमें 90 ये वाला जोड़ दोगे तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 30 प्लस 90 मतलब 120 डिग्री विथ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम से 120 डिग्री पे उसको स्विमिंग करनी पड़ेगी। देखो 30 डाउन स्ट्रीम से ऐसे भी कर सकते हो यार, कॉमन सेंस से डाउन स्ट्रीम से 30 होगा नहीं, 90 से अधिक होगा, तो ये कभी सही नहीं हो सकता और ये भी कभी सही नहीं हो सकता, और अगर उसको साउथ में तो जाना नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है, 90 से अधिक स्विमिंग करेगा तभी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा, अगर 90 पे करेगा एग्जैक्ट तो शॉर्टेस्ट टाइम होता है, ठीक है ना। चलो बाय बाय।